नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। रत्न संबंधित जानकारी में आज हम आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं चंद्रमा रत्न मोती के संबंध में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती चंद्रमा ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में यदि शुभ चंद्र प्रभाव में हो तो मोती अवश्य धारण करना चाहिए। चंद्रमा मनुष्य के मन को दर्शाता है, मनुष्य के मन का कारक है। इसका प्रभाव पूर्णतया हमारे मन पर पड़ता है। हमारे मन की स्थिरता को कायम रखने में मोती अत्यंत लाभदायक है। इसको धारण करने से माता से मधुर संबंध बनते हैं। मोती धारण करने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। हमारे शरीर में पानी से जुड़े हुए जो रोग होते हैं उनको कंट्रोल करने में मोती सहायक होता है, क्योंकि चंद्रमा शरीर में द्रव का भी कारक है, जैसे ब्लड प्रेशर, मूत्र से संबंधित रोग। लेकिन इसके लिए आपको अनुभवी ज्योतिषी की सलाह आवश्यक लेनी चाहिए, क्योंकि कुंडली में चंद्र अशुभ होने के कारण नुकसान भी दे सकता है। पागलपन जैसी बीमारियां भी कुंडली में स्थित अशुभ चंद्रमा की देन होती है। इसलिए मोती धारण करने से पूर्व यह जान लेना अति आवश्यक है कि हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है और चंद्रमा क्या फल देगा। छोटे बच्चों के जीवन की यदि हम बात करें तो चंद्रमा का बहुत बड़ा संबंध होता है, क्योंकि नवजात शिशुओं के शुरुआती जीवन में उनकी कुंडली में स्थित शुभ या अशुभ चंद्रमा पर निर्भर करता है। यदि नवजात शिशुओं की कुंडली में चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो तो बालारिष्ट योग का निर्माण भी करता है। फलस्वरूप शिशुओं का स्वास्थ्य बार बार खराब होता है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए ज्योतिष के अनुसार अक्सर छोटे बच्चों के गले में मोती का एक पेंडेंट धारण कराते हैं। द्रव से जुड़े व्यावसायिक नौकरी पेशा लोगों को मोती अवश्य धारण करना चाहिए। जैसे दूध, जल, पेय आदि के व्यवसाय से जुड़े लोगों को, लेकिन इससे पूर्व एक बार अवश्य कुंडली को जरूर दिखाएं। मोती धारण करने से क्या क्या लाभ मिलेंगे? यह मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है, फैसला लेने की क्षमता को बढ़ा देता है, आत्मविश्वास बनाता है, कन्फ्यूजन दूर करता है, नींद को दुरुस्त करता है, भय डर दूर करता है और हार्मोन्स को बैलेंस भी करता है। यह आर्थिक पक्ष को मजबूत करता है। एक कुशल ज्योतिषी के पूछने के उपरांत ही पुनः मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मोती को धारण करें। कई बार नुकसान भी हो जाता है इसमें। कभी कभी बिना परामर्श लिए पहनने पर इससे मानसिक दशा को धीरे धीरे यह प्रभावित कर लेता है। यह गंभीर रूप से अवसाद तनाव की समस्या दे सकता है। यह घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। इसके कारण हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ सकता है। कौन कौन मोती धारण कर सकता है? इसलिए अलग अलग लग्नों के अनुसार, अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए मोती धारण करना अति उत्तम है। वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना अच्छा नहीं होता है। सिंह, तुला, धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती को धारण कर सकते हैं। अत्यधिक भावुक और क्रोधी लोगों को भी मोती नहीं पहनाना चाहिए। अब बात करेंगे मोती रत्न को किस प्रकार से धारण करें। मोती को चांदी की अंगूठी में सबसे छोटी उंगली में, ये छोटी उंगली है, शुक्ल पक्ष के सोमवार को प्रातः सूर्योदय के एक घंटे के अंदर धारण करें। इसे पूर्णिमा को भी आप धारण कर सकते हो। धारण करने से पहले गंगा जल को दूध में मिलाएं, फिर मोती को गंगा जल मिश्रित दूध से धोकर शिव जी को अर्पित करें। शिवलिंग अगर हो तो उस पर स्पर्श जरूर करें और मंत्र बोलें, ओम सोम सोमाय नमः, इसकी एक माला का जप करें। मित्रों, आप मोती रत्न की माला भी पहन सकते हैं। मैंने माला को पहन रखा है। मेरे पास सर्टिफाइड स्टोन्स भी हैं, ये सर्टिफाइड स्टोन्स हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी मेरे भाई बंधु को मोती रत्न चाहिए तो ज़रूर हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम आपको जो रत्न देंगे
एकदम सर्टिफाइड रत्न देंगे और ये साउथ सीपल है, सबसे अच्छा जो मोती मेरे पास इस समय है ये साउथन सीपल है। तो दोस्तों आज हमने जो आपको जानकारी दी मोती रत्न के संबंध में, किस प्रकार धारण करें, कैसे धारण करें, इसका क्या प्रभाव होगा, यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए मेरा छोटा सा आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है यह आप तक पहुँचे और आप इसको जन जन तक पहुँचाएँ। मित्रों बहुत जल्दी आपके समक्ष हम दूसरे वीडियो को लेकर के आ रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।